नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और इस टाइम पर जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है मोतीकुंड। और आप सबको मैंने कहा था कि मोतीकुंड से मैं एक अपडेट आपको ज़रूर दूंगा कि कार्य कितना कार्य हुआ है यहाँ पे। और आज मैंने जैसे आपसे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हमारे साथ जो कार्यकर्ता है गवर्नमेंट के हैं वो आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगा एक बार। और सामने से जो मैंने आपको लाइव में अपडेट दिया था कि कार्य शुरू हो चुका है यहाँ पर, जो वॉल है उसका काम शुरू हो चुका है। एक बार जो कार्यकर्ता हैं मेरे साथ, उनसे मैं आपको एक बार ज़रूर मिलवाता हूँ और उनसे जानते हैं कि किस प्रकार आगे और भी कितना वो सहयोग करेंगे इस कार्य में। राधे राधे। राधे राधे जी। आपका एक तो बहुत जिसे कहते हैं ठाकुर जी के इस कार्य में बहुत आपने जिसे कहते हैं ना प्रभु भक्त की जो चिंताएं थी वो चिंताएं आपने दूर की हैं अपना सहयोग इस कार्य में देके। तो आपसे बस एक चीज़ यहाँ पे मैं भी जानना चाहूँगा, जो भी जुड़े हुए वो भी जानना चाहेंगे कि जो आप इसमें वॉल का काम करवा रहे हैं तो उसके अलावा थोड़ा सा और आपका क्या सहयोग होगा, तो वो भी एक बार आप हमें बता देंगे, काफ़ी आनंद की बात होगी। ठीक है, मैं अभी कर रहा हूँ। मैं दान बिहारी चौधरी नंदगाम से हूँ और जो ये मोती बिहारी में मोती कुंड पे जो काम हो रहा है, आप लोगों का इसमें सहयोग रहा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने बाबा महाराज की कृपा से हमारे छाता क्षेत्र के विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से अनुरोध किया और उन्होंने जिला पंचायत मथुरा से इसमें रिटायरिंग बाल के लिए पैसा सैंक्शन कराया। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जब हमने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया कि इसमें तीन तरफ बॉल होनी चाहिए और एक तरफ घाट, जिसमें कि हमारे श्रद्धालु यहाँ पर मोती बिहारी के जब दर्शन करने आएँ तो उसमें स्नान भी करें, आचमन भी लें। तो इस तरीके से जो हमारी जो योजना है वो तीन तरफ रिटायरिंग बाल बॉल बनाने की है और एक इधर मंदिर की साइड में एक घाट बनाने की है। और फिर आगे जो भी हमारे भक्तगण आपके चैनल से जो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी आपके माध्यम से अनुरोध और अपील करना चाहूँगा कि ये वो स्थान है जब भगवान श्री कृष्ण की सगाई बरसाना से हुई तो वहाँ सगुन में दो मोतियों की माला वृषभान जी के द्वारा नंद बाबा के लिए भेंट की गई थी। तो बाबा नंद को चिंता हुई कि जब सगुन में दो मालाएं हमारे लिए वृषभान जी ने भेजी हैं तो हमको दूना करके देना चाहिए। बाबा नंद एक ग्वारिया थे और बड़े ही मतलब ग्वाल वालों के मुखिया थे, तो उनके पास में गाय तो बहुत थी, ज़मीन जायदाद बहुत थी, लेकिन मोतियों का भंडार नहीं था। उसी श्रृंखला में भगवान श्री कृष्ण ने उन मोतियों की माला में से कुछ मोती लिए और यहाँ आकर के पिरोए और यहाँ पर मोतियों के पेड़ हो गए। और उन्होंने बाबा से कहा, मैया से कहा कि बाबा वहाँ से दो माला आई हैं, आप यहाँ से गाड़ी भर करके भेजें। तभी से इस स्थान का नाम मोती बिहारी मोती कुंड पड़ा है। और अब विलुप्त होते हुए स्थान को श्री श्री 1008 श्री बाबा महाराज कमलाकांत जी के आशीर्वाद से व प्रेरणा से इसका दिन पर दिन जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से भी और माननीय मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से भी अनुरोध करके आगे और भी यहां पर विकास कार्य करवाए जाएंगे और आप सब लोगों का सहयोग लिया जाएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। काफ़ी आनंद आया आपके भाव सुन के। और एक ठाकुर जी ने चाहा तो हम इसको इस प्रकार बना पाएंगे कि ये एक हमारी सबकी इच्छा है कि रात्रि में भी जगमगाता रहे ये कुंड, जिस प्रकार मोती जगमगाता है, चमकता है, उस प्रकार ये कुंड भी चमके। तो काफ़ी आनंद आया आपसे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप सामने देख रहे हो, ये काम यहाँ पे चालू है। जो कुंड की जो दीवार है ये थोड़ी सी टेढ़ी हमको लग रही है, तो अभी मेरे साथ जो आर्किटेक्ट आए हैं वो अपने काम में अपने लगे हुए हैं उस तरफ में, उसको डायमेंशन में ले रहे हैं। और जो आप सामने देख रहे हो इसको, ये जो रस्सी आप देख रहे हो, ये जो रस्सी आपको दिख रही है, ये वाली रस्सी जो बिल्कुल, इसको कहते हैं सूत कहते हैं इसको, यानी कि ये बिल्कुल जो सीधाई को नापती है कि बिल्कुल स्ट्रेट है या फिर कैसा है। तो अभी जो साथ में जो आर्किटेक्ट वो कर रहे हैं काम, वो बता रहे हैं इसको किस तरीके से उनको लेना है हमें डायमेंशन, क्योंकि जो वॉल है मंदिर है जो, यानी कि इस मंदिर के बिल्कुल पैरेलल यानी कि बिल्कुल सीधाई में लेना है हमको कुंड। तो ये जो सूत आप देख रहे हो, ये जो रस्सी है ये, इसको सूत कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया ये बिल्कुल हमने सीधा लिया है। इसको देखना, ये वहाँ जाके बिल्कुल उस तरफ जा रहा है, उस पेड़ पे वहाँ से ये इस तरफ से यूँ आ रहा है, आप ये देखोगे। तो यहाँ से थोड़ी सी और ये जो वॉल है ये इस तरफ से भराव होगा, यानी कि और एक वॉल बनेगी इस तरफ से, वहाँ जाके थोड़ा कम हो जाएगा। एक कहने का मतलब ये है, ऐसे ही उस तरफ से बनेगा सीधा और उस तरफ से सीधा।
जैसे कि आप देख रहे हो एक ये हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट माप रहे हैं। थोड़ा ही फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और एक बार इनको दिखा दे ना, पीछे वाले भाई, पीछे वाले पे, पीछे वाले बारे लगा, पिछले पे, पिछले पे, पिछले पे, पिछले भाई, ये नीचे नहीं, ऊपर ही लगा, ऊपर ही लगा, ऊपर ही लगा भाई। यार ये तो पीछे है, ये जगह भाई, जगह भाई, उसी पे ही है, उसी पे ही आएगा सर, लग जाओ। तो एक चीज़ मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूँ, जैसा कि हम चाह रहे थे इसको सीधा बनाना, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि मंदिर भी पैरेलल, मंदिर के पैरेलल में नहीं आ रहा है। और अगर हम इसको लेना चाहेंगे तो जो आप ये देख रहे हो, ये पेड़ जो है महाराज जी ने और यहाँ के जो अंदर मंदिर में जो यहाँ के महाराज जी हैं सब ने मुझे बोला है कि मोहित जी पेड़ को बिल्कुल भी मत हटाना यहाँ से, क्योंकि ये मंदिर के सामने है। तो पेड़ को हम नहीं हटा रहे हैं, लेकिन जो ये डायमेंशन है यहाँ से कुंड की, इसको हम इस तरीके से ले रहे हैं कि कुआं बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अभी का ये अपडेट मैं आप सभी को बता दूं, कुंड जिस तरीके से बन रहा है वो मैं आपको अपडेट आगे देता रहूँगा, लेकिन जिस तरीके से अभी वॉल बन रही है वो वॉल हम उसको वैसे बना रहे हैं ताकि कोई अब ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। जब ये इसकी वॉल नीचे की नींव जो बेस है वो तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या लुक या क्या डिज़ाइन दे पाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे महाराज जी बोल रहे थे कि यहाँ के जो नंदगांव के निवासी थे वो भी ये बोल रहे थे कि मोहित जी आपने सोचा नहीं कि आपके पास कितना सहयोग आया है, क्योंकि लागत तो इतनी ज़्यादा है ये 40 से 50 लाख की, और आपने बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन आपने श्री गणेश कर दिया और आपने जेसीबी मशीन को यहाँ पर बुलवा कर आपने खुदाई तो करवा दी, आपने इतना तो किया। लेकिन जैसे कहते हैं ठाकुर जी की कृपा से अगले ही दिन मॉर्निंग में ही सुबह यहाँ पे कार्यकर्ता थे जो वो आ गए और उन्होंने भी बोल दिया कि मैं यहाँ पे ये वॉल बनवा रहा हूँ, आप इसको आप कंटिन्यू करिए। तो आज के अपडेट यही है कि कार्य चालू हो चुका है मोतीकुंड का, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग करें इस कार्य में। स्क्रीन पे अकाउंट नंबर आपको दिख रहा है, और हम मैं आपको सबको बता दूं ट्रस्ट का नाम, जैसे कि आपको सभी को पता है ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट है, अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं कार्य के प्रति या आपकी कोई भी क्यूरी है तो अकाउंट नंबर के साथ साथ आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी शो हो रहा होगा, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और आप सभी से रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा मैं कि इस कार्य में बिल्कुल भी कोई रुकावट ना आए, अपना सहयोग भरपूर कीजिएगा, बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा कि इस कार्य में कि हम लोग आपका जो भी सेवा है, जो भी आपकी जो भी राशि है वो भगवान की सेवा में लगेगी, इसके जीर्णोद्धार में लगेगी, इसके निर्माण में लगेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भरपूर हमें सहयोग कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट चैनल पे भी अपलोड होगा, तो जाके आप चैनल को भी सब्सक्राइब किए करिएगा जो कि ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट का होगा। तो अब आपको मैं उस पर भी अपडेट देता रहूँगा, जो मोतीकुंड में कार्य हो रहा है उसके अपडेट अब आपको उस चैनल पे भी मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे मोतीकुंड का जो भी कार्य होगा उसका अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, राधे राधे।